यार अपनी मुर्गियों के लिए हरा हरा चारा ले आए हैं काफी ज्यादा। जल्दी से अपनी मुर्गियों को छोड़ते हैं और उन्हें हरा चारा डालते हैं, काफी शौक से हरा चारा खाते हैं। चल यार जल्दी से अपनी मुर्गियों को खोल। यार अभी रहने दे, पहले देख ले जैरी का कोई बहन भाई तो नहीं आया हुआ। चलो यार पहले हम देख लेते हैं कि जैरी का कोई भाई बहन निकलने वाला था, जल्दी से देखते हैं कोई निकला या नहीं। यार पहले ऐसा करते हैं, हमने जो हमारे टर्की के चूजे उन्हें पिंजरे में से बाहर निकाल देते हैं। उन्हें बाहर निकाल देते हैं, पिंजरा उन्होंने काफी ज्यादा गंदा कर दिया। चल उन्हें पहले जल्दी से बाहर निकाल फिर देखते हैं। थोड़ा कर इतना उनके लिए ज्यादा और कम कर। चल यार अपने टर्की के चूजे बाहर आ गए हैं, इन्हें इस वाले पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, तो जल्दी से नहीं चारा डाल देते हैं और अपने वजीर के पिंजरे के अंदर चलते हैं। और चूजा नीचे दे दिया सारा। चला यार समी यार अपने टर्की के चूजों को छोटे पिंजरे के अंदर डाल दिए, इधर देखने घास कैसे शौक से खा रहे हैं, पागल हो गए हैं। पहले ये वह चूजे ने अपने गले के अंदर एक घास फंसा ली, फिर मैं पकड़ कर बाहर निकाली तो हमारा जैरी भी ऊपर आ गया। ये भाई ने पकड़ा हुआ ऐसा चील आई हुई है, वो देख पास ही है तो इसे बचा कर रखी, वो उधर चला जा। समी आ हम अपने जैरी जैरी के भाई को देखते हैं कोई निकला या नहीं। ऐसा इसका ध्यान रखना है अच्छे से, इधर बैठ जा लेके, ये ना हो तूने उठाया हो चील आए पकड़ के ले जाए। तो यार ये देखे हमारे टर्की के चूजों ने पिंजरे का क्या हाल किया। अभी कल हमने अपना पिंजरा अच्छी तरह साफ किया था, लेकिन सारा पिंजरा इन्होंने फिर बर्बाद कर दिया, सारा गंदा हो गया। यार ये मिट्टी के अंदर रहने वाली कौन है? हाँ ये मिट्टी में ही रहेंगे, इधर तो इन्हें अब पिंजरा साफ साफ करके थक जाएंगे। इन्हें अब बाहर मिट्टी वाले वो लकड़ी वाले पिंजरे के अंदर बंद किया था, वो सारी से साफ भी हो। यार देखते हैं माशाल्लाह से बजीर की फीमेल अंदर बैठी है, देखते हैं इसके कितने बच्चे निकले हैं। यार समी बच्चा मर गया है। कौन सा? यार जो कल निकला निकल रहा था आधा निकला हुआ था। यार यार पहला बच्चा इस बार मर गया, पता नहीं क्या मसला है। यार ये वाला अंडा टूट रहा है, इसके अंदर से बच्चा निकलेगा थोड़ी देर तक। तो यार काफी यार दुख हो रहा है, जैरी का पहला ही भाई निकला, पहला ही मर गया। तो इंशाल्लाह ये वाला जो रहेगा ये कल तक समी निकलेगा ना, कल परसों तक? हाँ, नहीं अभी तक पता नहीं, रात पता नहीं, रात को मरा पता नहीं कब मरा, रात को तो ठीक था। यार ये भी ग्रीन कलर का ही होगा सोना था। हाँ मुझे लगता है तोती इसके ऊपर बैठी है, ये दबाया गया जिसकी वजह से मर गया। तो यार तोती ने डब्बे के अंदर जाना है, बेचारी परेशान है, तो चलते हैं जल्दी से बाहर। चलो रुके एक मिनट अंदर। यार ऐसे जैरी का भाई मर गया, उसको क्या हुआ? यार पता नहीं क्या हुआ, रात को तो बिल्कुल ठीक था। इधर ले के आ। तो यार ये देखे जैरी भी तब इतना था जब बंडों में से निकला था, तो बेचारा देख रहा है इसका भाई मर गया, काफी यार दुख हो रहा है। यार इसे दफना देते हैं और अपनी मुर्गियों खोल। तो यार ये काफी बड़ा हो गया, छलांगे मारना शुरू हो गया, तो अब हमें आगे से बाइट नहीं करता। यार मुर्गियों को खोल दे जल्दी से। यार हमारा जैरी अपने माँ बाप के पास जाना चाहता है बेचारा, ये देखें जाली के ऊपर चल रहा है। समी पहले तोता आया था ना इधर इसे लेने के लिए, क्या तोता इधर आया था? तोता अंदर ना छुने। यार नहीं पिंजरा अंदर बड़ा गंदा है, ये बेचारा परेशान होगा कि कहाँ पर ले आए फिर से। तोता पहले इधर आया, तोता आगे से बोल रहा था, ये भी आगे से रिस्पॉन्स उसका दे रहा था। छोड़ के देखते हैं। नहीं ये भी आगे से उसका रिस्पॉन्स दे रहा था काफी अच्छी तरह, अंदर जाना चाहता है लेकिन इसे अंदर नहीं अब डालना, बेचारे के काम क्या करें। इसे पकड़ नीचे पिंजरे में छोड़ा, जल्दी से अपनी मुर्गियों को दाना डालते हैं। तोता अभी भी इसे देख कर बोल रहा है, जैसे नीचे मास्टर केज में छोड़ा, मैं मुर्गियों को खोल देता हूँ। तो यार जितना भी हरा चारा पड़ा था सारा अपनी मुर्गियों को पिंजरे के अंदर डाल दिया, जो बाहर पड़ा वो भी मुर्गियां खा रही हैं। तो इसे देखें पता नहीं क्या आदत है, इधर से हरे पत्ते खा रहा है हरा चारा, लेकिन इन्हें रोजाना डाल देते हैं, पता ही नहीं क्या गंदी आदत है। मुर्गियों को बंद करते हैं, शाम हो चुके हैं, नीचे अपने मास्टर केज में चलते हैं। तो यार आज काफी ज्यादा दुख हो रहा है, हमारे बजीत का बच्चा था जो पहले ही निकला है मर चुका है। तो यार अपने मास्टर केज के अंदर आ गए हैं, ये वाली हमारी कबूतरी ने अभी तक अंडा नहीं दिया, अभी थोड़ी देर पहले डब्बे के अंदर बैठी हुई थी। और ये जो हमारा जैरी है काफी होशियार हो गया, बेचारे का भाई जो पहला निकला था मर चुका है, तो काफी ज्यादा दुख हो रहा है। बेचारा अपने माँ बाप के पास जाना चाहता था, लेकिन हमने पिंजरे के अंदर नहीं डाला,
अब खुद ब खुद खाना खाना शुरू होगा इंशाल्लाह, तकरीबन 4 से 5 दिन बाद ये उगना शुरू हो जाएगा। और ये वह जो फीमेल है इसने हमें काफ़ी ज़्यादा काम किया है, और ये जो हमने मटकियाँ लगाई हैं इनके अंदर मैंने थोड़ा सा नेस्टिंग मटीरियल डाल दिया ताकि हमारी पिंजों को ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े और ये जल्दी से हमारी ये मटकियों के अंदर अंडे दे दें। और ये जो व्हाइट वाली फीमेल है इस वाली मटकी के अंदर गई है, तो अल्लाह करे ये भी अंडे दे दें। अभी तक लेकिन इसने कोई अंडा नहीं दिया, और हमारा इधर कबूतर अंडा के ऊपर बैठा हुआ है, तो इंशाल्लाह इसके बहुत जल्द बच्चे निकल आएंगे। तो यार ये जो हमारी येलो वाली फीमेल है पता नहीं इस बार डब्बे के अंदर, तो यार इस बार डब्बे के अंदर है, तो माशाल्लाह इसने 2 अंडे दे दिए, 1 और अंडा इसका आ गया, तो 1 अंडा इसने इस बार डब्बे के अंदर दिया था। तो देखो इस बार डब्बे के अंदर जिसने अंडा दिया था वो इसने सारा ही तोड़ दिया। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल बर्डन सिटी को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।